कांग्रेस पार्टी पर्दे के पीछे देश में अस्थिरता फैला रही है, देश को समाज को बांटने का प्रयास कर रही है। उस संदर्भ में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। ऐसी एक्ट संसद में बहुमत से पास हुआ, सभी दलों ने समर्थन किया, उसमें कांग्रेस भी थी। कांग्रेस को विरोध करना था, अपना कोई सुझाव रखना था, उस समय रखना चाहिए था। अब पर्दे के पीछे जितने भी कांग्रेस के पदाधिकारी हैं हर जिले में, वही इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। और सपा बसपा से मैं पूछना चाहता हूं कि वो क्यों खामोश है, वो भी इस आग में रोटियां सेक रहे हैं। उन्हें जब समर्थन किया है तो हर मोर्चे पर समर्थन करना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, ये संविधान प्रदत्त कानून बना है, कोई नया नहीं बना है, बहुत पुराना कानून है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ उसने रूलिंग दे दी थी, उसमें संशोधन कर दिया, कोई नई चीज़ क्या है? भाजपा के राज में कहीं किसी सवर्ण का उत्पीड़न हुआ हो तो बताओ, किसी दलित का उत्पीड़न? हम उसके खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे। IPC की धारा 188 में है, जो गलत उत्पीड़न करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जैसे पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा हुआ, संसद में पास होने के बाद तुरंत पहले पत्रकारों का मुकदमा दर्ज होता है, अब वो भी आपको जानकारी? कोई पत्रकार गिरफ्तार हुआ क्या? जांच चल रही है भाई। अरे तो जांच चल रही है ना उसकी, तो ये मान लिया जाए ट्रायल किया गया था सांसद महोदय द्वारा, ये मुकदमा लिखवा के पास? नहीं, ट्रायल नहीं भाई, जो भी सच्चाई होगी जांच में आएगा। मैं क्या कह दूं, सच्चाई होगी तो जांच में आएगा ना। हाँ, मैं कहाँ करूँ, मैं उनको डिनाई थोड़ी कर रहा हूँ। उनके घटना घटित हुई, FIR हुई, आप लोगों ने भी FIR लिखाई, उन्होंने भी लिखाई, दोनों की जांच हो रही है, जांच निष्पक्ष होगी। और कितने दिन अरे भाई नए इस पर आइए, आज जो SC ACT का है मुकदमा, जो कानून है, मैं कहना चाहता हूँ इसके पीछे कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का हाथ है। भाई अब सुप्रीम कोर्ट ने हटाई है तो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, उसमें कहना क्या है, वो तो हम सब स्वीकार है उनकी। अब सुप्रीम कोर्ट ने ही SC ST कानून में बदलाव किया था, आप लोगों ने संसद में बिल लाके उसको पलट दिया, तो कैसे मानेंगे आप सुप्रीम कोर्ट का वो कर रहे हैं? अरे भाई इसका जबरदस्त विरोध हुआ था, पूरे देश में दलित लोग सड़कों पर उतर आए थे, तो हम आम जनता का बहुमत भी तो देखते हैं। तो पूरे जनभावना, पूरे प्रदेश में जो कल बवाल हुआ, ट्रेन रोकी गई, तो क्या माना जाएगी? सब कांग्रेस ही कर रहे थे, सब कांग्रेस ही और विपक्षी दल उनके सहयोगी दल थे। कहीं नहीं, थोड़ा छुटपुट 10-20 लोग दिखाई दिए, कहीं बाजार बंद नहीं, कहीं भारत बंद नहीं, कहीं कुछ नहीं, बस एक कांग्रेस का ऐसे फ्लॉप प्रदर्शन था। कोई बस नहीं जलाई गई, कोई ये भी तो समाज को बांटती नहीं है। हम तो सबका साथ सबका विकास, हमारी पार्टी ही सवर्णों की पार्टी है, सब ज़्यादातर सवर्ण है, और देखिए वही सवर्ण लोग सब दलितों पिछड़ों के लिए काम कर रहे हैं।